आगामी तारीख 29/11/2023 रोज पालनपुर तालुकाना गादलवाड़ा गामे असामाजिक तत्वों द्वारा गाय माताना बे पग कापी अने फेंकी देवामां आव्या हता अने ए हेतुथी हिंदू धर्म सेना अने हिंदू स्वराज सेना तथा गादलवाड़ा गाम जन द्वारा कलेक्टर अने जिला पुलिस वडाने आवेदनपत्र पाठवी रजूआत करवामां आवी हती। तेरे वधु आगळ वात करीए तो आवेदनपत्र पाठवामां गादलवाड़ा गामना सरपंच रेखाबेन अशोककुमार धाणक तथा हिंदू धर्म सेनामांथी स्वामी राजेन्द्र गिरी अशोक पुरोहित सचिन जोशी तेमज मुके कार्यवाही करवामां नहीं आवे तो उग्र आंदोलन करवानी तथा चक्का जाम करवानी चीमकी पण उच्चारवामां आवी हती। जे 29 तारीखना दाड़े जे घटना गादलवाड़ामां बनी छे समग्र हिंदू समाज एनी लागणी दुभाणी छे। पोलीस ने वारे वारे रजूआत करवामां पण आवी आज कलेक्टर साहब ने अने एसपी साहब ने आवेदन पत्र पण आप्युं छे। जो 4-5 दिवसनी अंदर आरोपीओ धरपकड़ नहीं थाय तो अमे उग्र आंदोलन करवानी पण चीमकी आपीए छीए अने करशू। चीमकी नहीं अमे करशू पण चक्का जाम पण करशू कारण के हिंदू समाजनी लागणी दुभाणी छे। गाय माता ए हिंदू समाजनी कामधेनु छे एना माटे अमारा पोतानुं जीवननुं बलिदान आपवुं पड़े तो पण अमे आपशुं। आ गादलवाड़ानी घटना नहीं पण एक भारतनी घटना छे कारण के गौ माता ये अमारी कामधेनु छे। अमे आजे पण नहीं चलावी लीए काले पण नहीं चलावी लीए। गामना आगणी तरीके गायने जेने आजे जे अत्याचार जेवु करी छे पग कापया छे एनी कायदेसर एनी सजा थावी जोईए न के झाझो समय थशे तो रोड पण बंद थई जशे एने तो धरणा पर बेसी जशुं अने गायने खरेखर न्याय मळवो जोईए। जय सियाराम। આજે પાલનપુર તાલુકાના ગાદલવાડામાં જે અત્યારાઓ દ્વારા ગાય ઉપર જે અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો છે તો 29 તારીખનો બનાવ છે। હજી સુધી ખબર નથી પડતી કે પોલીસ શું કરી રહી છે ત્યાં આગળ। જો આગામી 4 દિવસનો અલ્ટિમેટમ આપીએ છીએ અમે ગઢ પોલીસ સ્ટેશનને, જો 4 દિવસમાં આના આરોપીઓને પકડીને નહીં લાવે અને જે કાયદેસરનું થતું હશે એ નહીં કરે તો અમે ચક્કાજામ કરીશું અને આત્મવિલોપન બી કરીશું જેથી આગળ જઈ અને કોઈ બીજો આવો અત્યાચાર પેદા ના થાય અને આવી તર ગૌ માતા ઉપર અત્યાચાર ના કરે। ભરત પટેલ સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।